भगवान राम को जिन दो तीन प्रसंगों के लिए प्रश्नों के घेरे में रखा जाता है, उनमें से एक प्रमुख प्रसंग है बाली वध। उनके द्वारा बाली को छुप कर मारना अब तक एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी इस प्रसंग को आधार बनाकर यदाकदा लेखन किया गया और आधुनिक समय में वामपंथियों और हिंदू घातियों ने बाली वध के सहारे भगवान राम के चरित्र को मलिन करने के तमाम प्रयास किए। एक अर्थ में देखें तो यही लगता है कि बाली को उस तरह से मारना धर्म संगत नहीं था, लेकिन यही हमारी धर्म दृष्टि चूक जाती है। रामायण और महाभारत का मूल आधार ही धर्म की स्थापना है, वह धर्म से ही अनुप्राणित और संचालित है। रावण वध भी अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, परंतु बाली वध के संदर्भ में हमें कुछ तथ्यों पर विचार करना चाहिए। दंडक वन में राम जब ऋषियों की पुकार सुनकर सभी राक्षसों के वध का संकल्प करते हैं तो सीता विचलित हो जाती हैं। तब राम कहते हैं कि क्षत्रिय धनुष इसीलिए धारण करते हैं कि कहीं से एक भी आर्तनाद न सुनाई पड़े। क्षत्रिय धार्यते चापो नार्त शब्दो भवेदिति। राम एक अपराजेय योद्धा हैं, संसार की सबसे महत्तर शक्तियों से पूर्ण हैं। वे सभी दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर चुके हैं। पहले ही विश्वामित्र उन्हें ताड़का वध के पश्चात सभी दिव्यास्त्र प्रदान कर देते हैं। परितुष्टोष्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः, प्रीत्या परंपरा मुक्तो तदाम्यस्त्राणि सर्वशः। वनवास के समय पंचवटी के पास महामुनि अगस्त्य उन्हें वैष्णव धनुष प्रदान करते हैं। राम अकेले इस संसार को कई बार जीत सकते थे। उन्होंने सीता हरण के बाद क्रोध से भरकर गर्जना भी की थी कि मेरी सीता मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। तो फिर ऐसे सत्यसंध महापराक्रमी राम को वाली को छुप कर क्यों मारना पड़ा? इसका उत्तर भी धर्म की अवधारणा में ही छुपा है। राम वाली को इसलिए मारते हैं कि वाली अधर्मी और कामांध होकर अपने ही भाई की पत्नी का हरण कर लेता है, भाई के रक्त का प्यासा हो जाता है। राम कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों की ही यह धरती है, यहाँ अधर्म करने वालों को दंडित करते हुए वह कुछ सोच विचार नहीं करते। लेकिन राम उसे पेड़ की ओट में छुप कर क्यों मारते हैं? इसीलिए मारते हैं कि वाली को मिले वरदान की मर्यादा और लोक में उसकी प्रतिष्ठा का उन्हें भान है। वाली को अपने शत्रु की आधी शक्ति को हर लेने का वरदान मिला था, तो राम लोकाचार करते हैं, उस वरदान की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं और वाली का वध कर अपने चरित्र को प्रश्नों के घेरे में ले आते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है, उसे स्थापित करने का विधान गौण है। नहि लोक विरुद्धस्य लोक वृत्तादपेयुषः दंडा दन्यत्र पश्याम निग्रहम हरियूथ। अर्थात लोक विरुद्ध नीच आचरण करने वाले निकृष्ट जीव के लिए मृत्यु दंड ही ठीक है, नीच लोगों से सुधार की आशा नहीं की जा सकती। यह राम का कथन है जो उन्होंने वाली को संबोधित करते हुए कहा था। राम तो यहां तक कहते हैं कि यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो तुम भी यही करते। शक्यम त्वयापि तत्कार्यम धर्मम एवानुवर्तता। राम कहते हैं कि राजा प्रजाहित में भयंकर जीवों का आखेट करते हैं, तो तुम भी इसे आखेट ही समझो। वाली मारा जाता है, राम आक्षेप सहते हैं, किंतु धर्म की स्थापना के लिए अडिग रहते हैं। वे सुग्रीव को न्याय दिलाने का वचन दे चुके थे, उस न्याय के लिए उन्होंने वाली को मिले वरदान की रक्षा करते हुए उसे मारा, यद्यपि वह उसे द्वंद्व युद्ध में एक ही बाण से ध्वस्त कर सकते थे। हिंदू जीवन पद्धति में धर्म दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। रामायण और महाभारत इसके सैकड़ों प्रमाणों से भरे पड़े हैं।